Assalamualaikum, hello everyone. My name is Mohammad Al Sami and I'm official representative at NC Solicitors. आज की जो हमारी वीडियो होगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और एक ग्रेटन इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया में. उन्होंने क्या कहा है कि कितनी वैक्सीनेशन होगी, क्या सिचुएशन होगी, तो बॉर्डर्स जो हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन हो सकते हैं और क्या सिचुएशन बनेगी कि किस किस वैक्सीनेशन के किस किस स्टेप पे क्या क्या करना चाहिए. एक रिपोर्ट उन्होंने इशू की है, आज इस वीडियो में उस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, उसको डीपली एनालाइज करेंगे. तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब चैनल, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे. ठीक है जी, ग्रेटन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो स्टेट बॉर्डर्स हैं वो तब ओपन करने चाहिए जब वैक्सीनेशन जो है वो 80% कंप्लीट हो जाए. पहले तो मैं आपसे सारा यानी कि ये डिस्कस कर लूँगी उन्होंने कहा क्या है, जो इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस भी देखेंगे. 80% होगा तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ओपन करना चाहिए. जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है वो है जी वो लोग जो 70+ में हैं, उनके लिए ये कह रहे हैं कि जब उस ब्रैकेट में यानी कि उस एज ब्रैकेट के लोग जो हैं वो 95% तक वैक्सीनेट हो जाएं तो फिर स्टेट बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन करने चाहिए. और जो अंडर 12 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी जो है वो बहुत जरूरी है. तो ये कैटेगराइज करके उन्होंने कहा है कि इस तरह वैक्सीनेशन जब 80% कंप्लीट हो जाए तो फिर बॉर्डर्स जो हैं वो आपको ओपन करने चाहिए. और जो इन्होंने रिकमेंड किया है आपकी फेडरल गवर्नमेंट को, उन्होंने ये कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये टारगेट अपना सेट करें या फिर मार्च 2022. मोस्ट प्रोबेबली जिस गंदे तरीके से मैनेजमेंट हुई है ओवरऑल अभी तक वैक्सीन रोल आउट की, ये बात मार्च 2022 तक ही जाएगी. दिसंबर में तो उनसे होने सरा, तो मार्च 2022 तक का रख लें टारगेट, या इस ईयर के एंड का जो है वो टारगेट रख लें. एक तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने. दूसरी रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी है कि जी स्टेट इशूड वैक्सीन पासपोर्ट जो है वो होने चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटैलिटी में लोग जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, वो उनके पास वैक्सीन पासपोर्ट्स हों और ताकि वो उसके हिसाब से जो है फिर वो लोग जो है वो ट्रैवल कर सकें, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ओपन हों फिर, और विद इन स्टेट्स जो है वो उसके लिए जो है वो ट्रैवल कर सकें, तो उसमें उन लोगों को इशू ना बने. और जिन लोगों ने काम के हवाले से जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है या दूसरी सिटी में जाना है, तो उनके लिए भी कोई मसला या उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और जो लोग, उन्होंने इसी पे बड़ा खास फोकस किया है कि जो लोग अभी इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जो कि आप कह लें COVID-19 हॉटस्पॉट्स हैं, या हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटी केयर वर्कर्स में काम, केयर वर्कर्स जो हैं बेसिकली, उनकी वैक्सीनेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है वो लोगों की टेक केयर कर रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट जॉब है जो उनकी जिम्मे है, तो उनका वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है. तो उनकी वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि फिलहाल हेयर से फेडरल गवर्नमेंट का उस पर फोकस जो है वो नहीं है. अब ये ग्रेटन इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अगर 80% से पहले बॉर्डर ओपन हो गया तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा जी, हेल्थ चेक्स मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा आपके उस पर हॉस्पिटल्स के ऊपर, COVID-19 को, खास तौर पर डेल्टा वेरिएंट को जो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, जबकि बाकी सारी दुनिया तो पागल है जो लगे हुए हैं, जो ओपन कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया तो मतलब एक इस तरह बिहेव कर रहा है, चाइल्डिश लाइक बिहेवियर है ये, लेकिन चले ठीक है, उसमें भी इनको ये लगता है कि अगर ओपन कर देंगे तो वो इनके लिए बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम बन जाएगा. चलिए ठीक है, फाइन. और जो वैक्सीनेशन है वो ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पूरी हो सकती है अगर प्रॉपर नेशनल गाइडलाइन मिले, नंबर वन, नंबर टू, और डोजेज आपके पास अवेलेबल हो. और दोनों चीजें ही मिसिंग है. प्रॉपर गाइडलाइन तो छोड़ दें, 1.5 साल हो गया, वो तो मेरा ख्याल अब कभी भी नहीं आएगी प्रॉपर गाइडलाइन इस गवर्नमेंट से तो आने से रही. दूसरी जो चीज है उसमें के जी आपका डोजेज आपके पास अवेलेबल हों, उसका भी बहुत ज्यादा इशू चल रहा है. और पीएम स्कॉट मॉरिसन एस्ट्राजेनेका के जो बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं वो एक अलग इशू है. तो अल्लाह ही जाने के उसमें भी वैक्सीन रोल आउट में भी आगे मजीद किस तरह करेंगे. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि टारगेट कंप्लीट होगा, अगस्त तो स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब वेरी डिफिकल्ट. ठीक है जी, और ज्यादा फोकस जो है इस रिपोर्ट में उन्होंने वैसे जो इम्फेसिस मेन किया उन्होंने वो बच्चों का किया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अंडर 12 है, और वो कह रहे हैं कि उनकी वैक्सीन आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल होने के लिए. अभी तक टोटल आपका 17.7% जो ऑस्ट्रेलिया है वो वैक्सीनेट हुआ है, जबकि बाकी कंट्रीज के जो हम हर वीडियो में ये चीज कहते हैं कि 50% जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि जी 80% जब आपका कंप्लीट हो जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लॉकडाउन लगाना बंद करे. ठीक है, 80% के ऊपर आपने लॉकडाउन लगाना जो है वो बंद कर देने हैं बिल्कुल. ठीक है,
क्योंकि अभी ये इशू यही बना हुआ ना COVID-19 हॉटस्पॉट का, सिडनी का, विक्टोरिया का, आपका मेलबर्न का। 80% पे वो कह रहे हैं आप लॉकडाउन करना बंद कर दें। 85% पे वो कह रहे हैं कि जी आप स्टेट बॉर्डर जो है उसको ओपन करना शुरू कर दें। 80 पे भी कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 85% पे आप स्टेट बॉर्डर जो है सारी रिस्ट्रिक्शन आप खत्म कर दें। और फिर वो कह रहे हैं कि जी क्वारंटीन, ये जो आपका लॉकडाउन है ये थिंग्स ऑफ द पास्ट बन जाएंगे। क्वारंटीन जो है जो फुली वैक्सीनेटेड लोग होंगे उनके ऑस्ट्रेलियंस के लिए क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी। जो इंटरनेशनल विजिटर्स होंगे विच इंक्लूड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल, वो जब आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, कुछ इंटरनेशनल विजिटर यानी कि उसमें फिर जाहिर है कंट्रीज डिवाइड होंगी, तो वो जो वहां से आएंगे तो उनको भी क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी। और 85% जब कंप्लीट हो जाए तो आप लोग स्टेट बॉर्डर्स ओपन कर दें। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, जहां पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो कंक्लूजन दिया है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है जी, ये तो है जी रिपोर्ट जो उन्होंने दी है। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे। 85% पे आप स्टेट बॉर्डर ओपन कर रहे हैं, इंटरनेशनल कुछ विजिटर्स की आप बात कर रहे हैं जो कि ये डूब मरने का मकाम है, जो कि बाकी कंट्रीज हैं जिनकी अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे। वैक्सीन पे इतनी स्पीडली वर्किंग हुई है, वो इसलिए हुई है, वो वर्किंग इसलिए हुई है कि जब वैक्सीन आ जाए, अवेलेबल हो, लोग उसकी जैब्स लें, उसके शॉट्स लें और लोग ट्रैवल करना शुरू करें। वो इसलिए नहीं हुई कि आप लोगों की कंट्री में शॉर्टेज उसका रहे और लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ ना जाएं। पढ़े लिखे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वैक्सीनेशन की तरफ वो लोग ना जाएं, जैब्स ना कराएं, अपनी लाइफ भी मुश्किल करें और बाकियों की लाइफ भी मुश्किल करें। वैक्सीन इसलिए नहीं बनती, वैक्सीन इसलिए बनती है ताकि आप लोगों की अपनी लाइफ जो है वो सेव की जाए और बाकियों की भी जो है वो लाइफ को बचाया जाए, इसलिए वैक्सीन की जाती है। और बाकी डे टू डे रनिंग, डे टू डे लाइफ जो है वो चलती रहे, इसलिए नहीं है कि आप लोग सारा कुछ बंद करके बैठिए। 85% इज अ बिग नंबर। और ये वो कंट्री बात कर रहा है जो अभी तक 17.7% पे पहुंचा है। आपको तो ये बात यानी कि इस चीज का एहसास ही नहीं है कि कितना लॉस ऑलरेडी हो चुका है और कितना लॉस मजीद होगा अगर इसी तरह का एटीट्यूड चलेगा। और मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंक टैंक्स अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। 17.7% का है, 85% का है, उस पर भी आप स्टेट बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की आप उस पर भी बात नहीं कर रहे। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज्यादा जो हैरानी होती है उस चीज होती है कि लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि इनके लिए कितने मेजर बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। लेबर के तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, लोग अब चीखों पुकार करना शुरू कर दिया लोगों ने कि बॉर्डर्स के हवाले से, स्टेट बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के हवाले से लोग बोलने लगे हैं, लोग अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट में अब उनको फेथ नहीं रहा और इनका ये एटीट्यूड समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और वैक्सीन पासपोर्ट है, चले ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि कोई इधर अच्छा स्टेप है। बच्चों की वैक्सीनेशन बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, वैक्सीनेट सारों को करना चाहिए। यहाँ पे एडल्ट नहीं वैक्सीनेशन करा रहे तो उनके बच्चों ने कहा है क्या वैक्सीनेशन करानी है, मतलब इट्स ऑल्सो लॉन्ग शॉट, तो वो भी मुश्किल ही जो है वो लग रहा है। इस ईयर का टारगेट तो बहुत टफ है, बहुत टफ टारगेट है कि बाय एंड ऑफ ईयर ये कंप्लीट करें जिस स्पीड से ये लोग चल रहे हैं। एक एक महीने में 1-1% 2-2% का जंप पा रहा है टोटल वैक्सीनेशन में, जो 2 डोज लोग ले रहे हैं, तो क्या मतलब क्या कह सकते हैं। और बाकी 85% तो इट्स सुपर रिकमेंडेशन, मैं तो यही कहूँगा 85% बहुत ज़्यादा। बाकी कंट्रीज जो है उनको जाहिर है अपनी इकॉनमी की फिक्र है, वहाँ पे इतने लोगों की जो डेथ हुई है उन्होंने वैक्सीनेशन पे बड़ा फोकस किया, बड़ा काम किया और बड़ा स्पीडली जो है उसको आगे लेके गए हैं। बॉर्डर ओपनिंग कर रहे हैं, लाइफ उनकी अब चल रही हैं। बाकी कंट्रीज में तो ऑन कैंपस स्टडीज भी इवन स्टार्ट हो रही हैं, बाकी नॉर्मल लाइफ की तरफ लोग वापस जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़े ही पुराने कदीम जमाने की तरफ जो है उसने बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि पत्थरों की जो दुनिया थी पहले उस पर अपने लोगों ने जाना शुरू कर दिया और स्टोन एज में जाना शुरू कर दिया। तो ये तो इनका ये है जी। देखिए ये जो आपका नेशनल नैरेटिव बनता है वो इन्हीं थिंक टैंक्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ही बनता है और उनका ये हाल है जो आपके सामने है, जो इतने बुरे तरीके से, यानी कि इस तरह की रिपोर्ट्स का आना 85% मतलब मजाक ही है वैसे, बजाय इसके कि लोगों को उम्मीद दिलाएं, लोगों को इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन जो है वो स्पीड अप हो, ठीक है, जल्दी करें, और एक टारगेट सेट कर रहे हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है, सिंक टैंक ने उसको कख नहीं बताया हुआ, कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ये टारगेट रख लें फलां ईयर के, इस ईयर के एंड में रख लें, मार्च का रख लें, जिसने करना है वो कुछ करके राजी नहीं है, तो मतलब कंप्लीट जोक, कंप्लीट जोक। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मुझे कैंडी जरूर बताइएगा कि आपकी जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की जो थिंकिंग है, जो मेंटेलिटी है उसके वाले से आप लोगों का क्या ख्याल है। मेरा तो जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो रिपोर्ट आई थी एग्जैक्ट मैंने आपको कोट भी कर दिया, और भी जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसका, आप लोग भी इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को भी थोड़ा मजीद क्लियर आइडिया हो कि चल क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसको देख किस तरह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।